नमस्कारम। अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 5.10, 10th क्लास केमिस्ट्री, चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हाउ डू यू थिंक द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स चेंजेस इन अ ग्रुप? कि आप क्या सोचते हो कि एक ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता किस प्रकार बदलती है? देखिए, यहां पर मैंने फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स लिखे हैं। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबडियम, सीजियम, फ्रांसियम। टोटल 7 एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ग्रुप में। यहां पर इनके मैंने एटॉमिक नंबर भी लिखे हुए हैं। हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रबडियम का 37, सीजियम का 55, फ्रांसियम का 87। अब हम ये स्टडी करेंगे कि एक ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं या नीचे से ऊपर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी किस प्रकार चेंज होती है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1, ठीक है। लिथियम की क्या होती है? 2 1। तो देखिए, या चलो और लिख लेते हैं, सोडियम की क्या होती है? 2 8 1, और पोटेशियम की 2 8 10, 8 18 और 1। इस तरह रबडियम, सीजियम, फ्रांसियम की थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन ये पॉइंट समझाने के लिए हम पहले 4 एलिमेंट से ही समझ सकते हैं। देखिए, ये क्या है? शेल का नंबर है, ये फर्स्ट शेल है। इसको के एल एम से लिखते हैं, के एल एम एन, यानी पहला ऑर्बिट के ऑर्बिट, फिर दूसरा एल ऑर्बिट, फिर एम ऑर्बिट, फिर एन ऑर्बिट। तो हाइड्रोजन की बात करते हैं, कैसे होता है? एक जो एलिमेंट होता है उसके जो एटम होते हैं उसके बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक है। और ये मान लो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो ये हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन न्यूक्लियस में कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। मैं इसको लिखता हूं, इससे लिख रहा हूं। चलो मान लो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है, यानी न्यूट्रल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इधर घूमते हैं ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। यानी कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल जीरो चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। अब जो हाइड्रोजन है उसके पास एक ही प्रोटॉन होता है जो न्यूक्लियस में होता है, और एक इलेक्ट्रॉन होता है जो बाहर घूमता है पहले शेल में। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ऐसे इसको रोक कर रखता है, ठीक है। अब दूसरे एलिमेंट को समझते हैं, जैसे लिथियम है। लिथियम में क्या होता है? ऐसे ये मान लो लिथियम का न्यूक्लियस है, ठीक है, और दो ऑर्बिट है इसके पास। तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन है पहले ऑर्बिट में, ऐसे दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और दूसरे ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये मान लो दूसरा ऑर्बिट है, दूसरे ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो ये लिथियम है इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका मतलब है इसके पास 3 ही प्रोटॉन है, ठीक है। यहां पर 3 प्रोटॉन है, ठीक है, और 3 ही इलेक्ट्रॉन है। तो 3 प्रोटॉन क्या करते हैं? इसको, तीनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचते हैं, ऐसे। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां देखिए चार्ज थोड़ा बढ़ गया है ना, तीन तीन प्रोटॉन है, यहां पर एक प्रोटॉन था, है। और लेकिन ऑर्बिट का नंबर भी बढ़ गया, पहले यहां थे, अब इसके पास तो एक ही ऑर्बिट था, लेकिन इसके पास दो ऑर्बिट है, यानी दूर भी इलेक्ट्रॉन है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लूज होना होता है ना, या इलेक्ट्रॉन गेन होना हो या इलेक्ट्रॉन लूज होना हो, वो लास्ट ऑर्बिट में होता है। तो यानी अगर इसमें इलेक्ट्रॉन लूज होएगा तो लास्ट वाला होएगा, इसमें लूज होएगा तो लास्ट वाला लूज होएगा, ठीक है। अब सोडियम को समझते हैं। सोडियम के पास क्या है? वही, इसके पास भी न्यूक्लियस है,
ग्यारह हैं, यानी सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन होते हैं, और इसके पास 3 ऑर्बिट हैं, तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। ये तीसरा ऑर्बिट है और उस पे 1 इलेक्ट्रॉन। चलो चलो इसी साथ साथ ये भी बना ही लेते हैं, पोटेशियम के पास 4 ऑर्बिट हैं, तो मान लो ये पोटेशियम का न्यूक्लियस है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, तो इसमें 19 प्रोटॉन है, तो इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, ये मान लो फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट। तो इसमें क्या है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, तीसरे में भी 8, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, चौथे में 1 इलेक्ट्रॉन, चौथे में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब जब इलेक्ट हम हाँ क्या पढ़ रहे हैं कि किसी ग्रुप में इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी कैसी बदलती है। तो देखिए यहां पर क्या है, सिर्फ एक ही कदम पर इलेक्ट्रॉन दूर है, यानी कि सिर्फ पहले पहला ऑर्बिट ही है, तो न्यूक्लियस के पास है। जब न्यूक्लियस के पास है तो न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ जोर से खींच कर रखता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन को लूज करना थोड़ा सा मुश्किल है। लिथियम में देखें, इसके पास देखिए, लिथियम के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन 2 कदम दूर है, देखो पहला ऑर्बिट फिर दूसरा ऑर्बिट, थोड़ा ज्यादा दूर हो गया। अब ज्यादा दूर हो गया तो इसको ये ज्यादा मजबूती से खींच नहीं पा रहा अपने तरफ, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लूज करना थोड़ा आसान है। सोडियम में देखे तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन ये देखो 3 कदम दूर है, KLM, ये और ज्यादा दूर हो गया, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन को लूज करना और आसान है। पोटेशियम में देखिए, पोटेशियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एक दो तीन चार, 4 कदम दूर है, चौथे ऑर्बिट में है, इसलिए दूर हो गया। अब दूर हो गए, दूर हो गया तो इसको इलेक्ट्रॉन को लूज करना और ज्यादा आसान है। यानी हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो क्या है, शेल का नंबर बढ़ता जा रहा है, पहले में 1 ऑर्बिट, दूसरे में 2 ऑर्बिट, तीसरे में 3, चौथे में 4, ऐसे इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7 ऑर्बिट है, क्योंकि आखिरी वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लूज होना होता है, इसलिए जितने ज्यादा ऑर्बिट होंगे इलेक्ट्रॉन लूज करना उतना आसान होता है। इसीलिए जब हम एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ऑर्बिट का नंबर बढ़ता है, इसी कारण से इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी भी बढ़ती है, इंक्रीज होती है। मैं एक बार और रिपीट कर दूं कि जब एक ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑर्बिट का नंबर बढ़ता जाता है और जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होता जाता है। अब वो जितना ज्यादा दूर होता जाता है उसका लूज होना उतना ईजी हो जाता है। आया समझ में? हाउ विल दिस टेंडेंसी चेंज इन अ पीरियड, कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता एक पीरियड में कैसे बदलती है। पहले में पढ़ा हमने कि ग्रुप में कैसे बदलती है, अब हम पढ़ेंगे कि एक पीरियड में इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है वो कैसे चेंज होती है। देखिए यहां पर मैंने सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को लिखा है। सेकंड पीरियड में टोटल 8 एलिमेंट हैं, 3 4 5 6 7, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। यहां पर मैंने उनके एलिमेंट एटॉमिक नंबर भी लिख रखे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखी है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। और यहां पर मैंने उनके एटम के साइज को बनाने का प्रयास किया है। तो आप देख रहे हो सारे एलिमेंट्स के पास सिर्फ 2 ही ऑर्बिट हैं, यानी सेकंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके पास जो शेल का नंबर है या ऑर्बिट का नंबर है वो सेम है, सबके पास 2 2 ऑर्बिट हैं।
ठीक है। लेकिन आप देखते हो कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, इसका मतलब है कि प्रोटॉन का नंबर बढ़ता है न्यूक्लियस में। अब जब प्रोटॉन का नंबर बढ़ता है तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है। अब ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को और एक दूसरे करीब खींच कर लेकर आता है, और ज्यादा टाइट कर लेता है, देखो और ज्यादा टाइट कर लेता है, जिसकी वजह से क्या है, जहां जहां एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, जहां जहां प्रोटॉन का नंबर बढ़ता जा रहा है, वहां वहां न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ज्यादा टाइट हो गया है इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से एटम का साइज भी छोटा होता जा रहा है। देखिए यहां क्या है, तीन प्रोटॉन है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ऐसे खींच रहे हैं, जिसकी वजह से ज्यादा खींच नहीं पा रहे प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को, ये थोड़ा दूर है। यहां पर चार प्रोटॉन खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉनों को, इसलिए थोड़ा ज्यादा पावर से खींच रहे हैं, साइज थोड़ा कम हो गया। यहां देखिए पांच प्रोटॉन है जो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन का जो एटॉमिक ऑर्बिट का नंबर है वो सेम है, इसके भी दो ऑर्बिट, इसके भी दो ऑर्बिट, इसके भी दो ऑर्बिट, यानी डिस्टेंस तो इलेक्ट्रॉन का सेम है, लेकिन खींचने वाले की पावर बढ़ गई है, इसकी वजह से ज्यादा मजबूती से खींचता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ऐसे। जब ज्यादा मजबूती से अपनी तरफ खींचता है तो एटम का साइज घट जाता है, एटम का साइज घट जाता है और ज्यादा मजबूती से अपनी तरफ खींचता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। यानी कि जब हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से एटम का साइज घटता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लूज करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। मैं एक बार और बता दूं, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है जो इलेक्ट्रॉन्स को मजबूती से अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से एटॉम का साइज भी कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन लूज करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये थी एक्टिविटी 5.10। आप इस एक्टिविटी को अपनी एनसीईआरटी बुक से जरूर पढ़िएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टडी जॉयफुली एंड नमस्कारम।